ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अभी हमने मार्कशीट के उदाहरण के जरिए इफ फंक्शन का उपयोग सीखा। अब आइए हम एक और उदाहरण से इसे सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक और डेटा है। ये HK इंस्टीट्यूट का डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर हैं, और ये जिस सेम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेम। जो अमाउंट उन्होंने पे किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और जो टोटल फ़ी है वो है 5000 रुपीज़। अब ये हमने पहले सेल में 5000 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी डाली है। अब या तो आप हर सेल में 5000 रुपीज़ टाइप करें, और या फिर जैसा हमने पहले बताया है, यहाँ राइट हैंड साइड पर आप अपना पॉइंटर ले जाएं बॉटम की तरफ और उसे क्लिक करके ड्रैग कर दें। ये देखिए हर कॉलम में 5000 आ गया। तो अब ये हो गई टोटल फीस, फर्स्ट सेम की है 5000 रुपीज़, और अमाउंट पेड इस कॉलम में है स्टूडेंट्स ने, किस स्टूडेंट ने कितना अमाउंट पे किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने तो जो फ़ी है वो पूरी भर दी है, पे कर दी है, 5000 तो 5000 दे दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने 5000 से कम अमाउंट पे किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर बैलेंस अमाउंट निकालना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर जितनी फ़ी है उतनी भर दी हो तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट ज़ीरो आ जाए, अगर उससे कम भरी हो तो हमें पता चल जाए कि बैलेंस अमाउंट कितना है, मतलब कितना ड्यू है उसको, अभी कितना और पैसा देना बाकी है। और अगर ज़्यादा भरी हो तो जाहिर है अब बैलेंस अमाउंट तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने एडवांस में पे किया है, तो बैलेंस अमाउंट की जगह पर ज़ीरो आ जाए। और इसके लिए चूंकि यहाँ पर कंडीशन है, हमें इफ फंक्शन का उपयोग करना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले, चूंकि बैलेंस अमाउंट हम जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद जैसा कि आपको सिखाया था, हमको फंक्शन इंसर्ट करना है। इसके लिए FX पर जाकर आप क्लिक करें, और आपको बताया था किस तरह से आप फंक्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी है, हमने इसको ओके कर दिया। ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स हमारे सामने आ गए। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि हम देख सकें। अभी देखिए यहाँ पर अब हमको सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट टाइप करना है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, हमें बैलेंस अमाउंट पता करना है। बैलेंस अमाउंट पता करना है तो उसके लिए हमको टेस्ट क्या लगाना है कि जो हमारा अमाउंट पेड है वो हमारी जो टोटल फ़ी है उससे कम है क्या। क्योंकि अगर वो उससे कम होगा तभी कितनी बैलेंस अमाउंट आ रही है जो उसको पे करना है वो पता चलेगी। तो लॉजिकल टेस्ट हमने यहाँ पर जो देना है वो देना है कि अमाउंट पेड, यानी जो ई कॉलम है, ई कॉलम में हमारा फोर्थ रो है। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि अमाउंट डालने की बजाय सेल रेफरेंस डालना ज़्यादा ठीक होता है, क्योंकि वो फिर सब पर लागू हो जाता है, उससे हमको बार बार फार्मूला बदलना नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले इस अमाउंट को सिलेक्ट किया जो है E4। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये अमाउंट अगर टोटल फ़ी यानी D4 से छोटा होगा तो ही हमको बैलेंस अमाउंट मिलेगा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे लेस देन का। तो E4, इफ E4 लेस देन D4, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है कि अगर E4 यानि अमाउंट पेड टोटल फ़ी से कम है तो हम क्या जानना चाहते हैं। उसके लिए हम ये नीचे आए कि हमने जो लॉजिकल टेस्ट दिया है यदि वो ट्रू है तो टोटल फ़ी में से हम उस अमाउंट को घटाएं ताकि हमको बैलेंस अमाउंट पता चल जाए। इसके लिए हम पहले चुनेंगे D4 और इसमें से माइनस करेंगे E4 को। तो माइनस का निशान लगा दें और इसके बाद सिलेक्ट कर लें E4 ताकि हमको बैलेंस मिल जाए। अगर ये फॉल्स है, यानी E4 D4 से छोटा नहीं है, यानी जो अमाउंट पे की है वो टोटल फ़ी से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है, तो जाहिर है कि ये वैल्यू फॉल्स हो गई। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो ज़ीरो आ जाए।
तो ये हमने यहाँ जीरो लिख दिया। अब हम ये जो भी हमने फॉर्मूला लगाया है इसको हमें लागू करना है ताकि हमको बैलेंस अमाउंट मिल जाए, तो इसके लिए हम ओके पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ गया, चूंकि यहाँ पर जो अमाउंट पे किया था वो टोटल फी के बराबर है, यानी बैलेंस अमाउंट कुछ भी नहीं बचा इसलिए ज़ीरो आ गया है। जबकि दूसरे केस में टोटल फी से जो अमाउंट पे किया है वो कम है, तो यहाँ पर हमको बैलेंस अमाउंट चाहिए कितना बचा है। इसके लिए या तो ये जो फार्मूला लगा है वो आप वापस यहाँ पर टाइप करें, या फिर जैसा आपको बताया है यहाँ पर राइट बॉटम एंड पर जा कर के क्लिक करके ट्रैक कर दें। और ये देखिए ये सारे के सारे आंसर्स आपके सामने आ गए। जहाँ पर अमाउंट बराबर है वहाँ पर ज़ीरो आ गया, जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर भी ज़ीरो आ गया, पर जहाँ पर पेड अमाउंट टोटल फी से कम था वहाँ पर जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर आ गया है। ये तो हो गया हमारा बैलेंस अमाउंट। अब हमारा जो अगला कॉलम है एडवांस, अब हम जानना चाहते हैं कि किन किन विद्यार्थियों ने एडवांस पेमेंट किया है और कितना किया है। उसके लिए हमको फिर से इफ़ फंक्शन का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक किया और अब हम वापस से इफ़ फंक्शन का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो हम उसको इंसर्ट करने के लिए एफएक्स पर क्लिक करेंगे। इफ़ हमारा सिलेक्टेड है, ओके कर दिया और ये देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आ गया, इसको हमने थोड़ा सा नीचे किया। अब यहाँ पर हमको चूंकि एडवांस अमाउंट पता करना है, उसके लिए हम क्या जानना चाहते हैं कि जो अमाउंट पे किया है वो टोटल फी से ज़्यादा है क्या, यानी हमारा जो E4 है वो D4 से ग्रेटर है क्या। इसके लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे E4 को, इसके बाद निशान लगाएंगे ग्रेटर का और ये E4 ग्रेटर देन और फिर ये हमने कर दिया D4। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर दी है अगर वो सही है तो हम क्या चाहते हैं कि E4 में से, चूंकि ये ज़्यादा है, E4 में से D4 घटा दिया जाए, यानी जितनी राशि उसने अदा की है उसमें से जो टोटल फीस है वो घटा दी जाए। तो इसके लिए हम E4 को सिलेक्ट करेंगे और फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर D4 को सिलेक्ट करेंगे। अगर ऐसा ना हो, यानी जो उसने अमाउंट दिया है वो टोटल फीस से ज़्यादा ना हो, ये जो वैल्यू है वो फॉल्स हो, तो हम क्या चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ज़ीरो आ जाए, यानी कोई एडवांस पेमेंट नहीं हुआ है। ये हमने लॉजिकल टेस्ट और जो भी हमको फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स देना थे दे दिए, अब हमने ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर हमको रिजल्ट भी मिल गया, जो अमाउंट पे किया है वो टोटल फीस से ज़्यादा नहीं था इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया। अब इसी तरह से आगे जिन केसेस में वो अमाउंट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर जो अमाउंट पे किया है वो टोटल फीस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कितना एडवांस पे किया है वो हमें पता चले। उसके लिए या तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं, ये जो यहाँ पर दिया है फॉर्मूला बार पर, या फिर राइट बॉटम पर पॉइंटर ले जा कर के क्लिक करें और उसे ड्रैग कर दें। ये देखिए ये सारे आंसर्स आ गए। जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा पे किया हुआ था वहाँ पर हमको एडवांस अमाउंट मिल गया, और जहाँ पर ऐसा नहीं था वहाँ पर ज़ीरो आ गया।